हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको डैंड्रफ को खत्म करने के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालों में डैंड्रफ यानी कि रूसी की समस्या होना आम बात है। हर मौसम में यह समस्या बहुत परेशान करती है। इतना ही नहीं, गलत खानपान और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी कई लोग इससे परेशान रहते हैं। डैंड्रफ होने से सिर में बहुत खुजली होने लगती है। रूसी बालों से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं का भी कारण बन सकती है। जो लोग अक्सर मानसिक तनाव में ज्यादा रहते हैं, उनको यह समस्या बहुत होती है। डैंड्रफ को खत्म करने के लिए नियमित देखभाल के साथ ही कुछ घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। डैंड्रफ को खत्म करने का पहला उपाय है नींबू का रस। डैंड्रफ को दूर करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन आप इसे सही तरीके से यूज करें, वरना आपके बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। डैंड्रफ को खत्म करने के लिए आप सरसों या नारियल के तेल में एक नींबू को अच्छी तरह निचोड़ लें। फिर इस तेल से बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद बालों को अच्छे से वॉश कर लें। एक हफ्ते में इसे दो बार जरूर करें। ऐसा करने से आपके डैंड्रफ की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। डैंड्रफ को खत्म करने का दूसरा उपाय है नीम की पत्तियाँ। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल जैसे औषधीय गुण होते हैं, जो डैंड्रफ को खत्म करने के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आप नीम की 15 से 20 पत्तियों को एक कप पानी में अच्छे से उबाल लें। अब इन पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बनाएं और फिर इस पेस्ट को बालों पर लगाएं। लगभग 30 मिनट के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। ध्यान रहे कि आप इस पेस्ट को नहाने से पहले ही लगाएं। इसके इस्तेमाल से आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकेंगे। डैंड्रफ की समस्या को दूर करने का तीसरा उपाय है दही। दही रूसी की समस्या को दूर करने में काफी लाभकारी होता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप सबसे पहले अपने बालों को सादा पानी से धो लें। अब अपने बालों की जड़ों में दही को अच्छे से लगाएं और 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद शैम्पू से अपने बालों को दोबारा धो लें। इसके अलावा आप दही के साथ अंडे का सफ़ेद हिस्सा भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिलेगा और बालों का रूखापन भी दूर हो जाएगा। डैंड्रफ को खत्म करने का चौथा उपाय है एलोवेरा। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो आपके बालों में रूसी की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आप 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद अपने बालों को धो लें। इसके इस्तेमाल से आपके डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी। डैंड्रफ की समस्या को दूर करने का आखिरी पांचवा उपाय है तुलसी। तुलसी में एंटीफंगल गुण होते हैं, जो आपके सिर के त्वचा की मजबूती को सुधारने के साथ ही डैंड्रफ को भी खत्म करते हैं। तो इसके इस्तेमाल के लिए आप तुलसी की कुछ पत्तियों के साथ 2 चम्मच आंवला पाउडर और 2 चम्मच पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और फिर इसे हल्के हाथों से बालों की जड़ों में लगाएं। लगभग आधे घंटे के बाद अपने बालों को ताजे पानी से धो लें। इसके इस्तेमाल से आपको जल्दी ही डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थे कुछ उपाय जिनको अपनाकर आप अपने डैंड्रफ की समस्या को खत्म कर सकते हैं। इसी तरह की और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।